कनेक्टिविटी इशू के कारण अभी आपका सवाल के लिए बंद हो गया था स्टेबिल, इसलिए फिर हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ तक हम बता चुके थे, लेकिन इसके बाद तक जो फ्रंट का जो व्यू बना था और प्रोजेक्ट किए थे फ्रंट का, ये फ्रंट का जो हमारा 4, 5 और 6 इसको प्रोजेक्ट किए और इसी को हम कलर किए, जो कलर यहाँ था कलर करने के बाद हमारा ये इस तरफ से आता है, और साइड का जब हम व्यू करते हैं जिसका प्रोजेक्ट किए हम, तो वो 7, 8 और 9 था, 7, 8, 9 ये इस प्रकार, और टॉप में जो था 1, 2 और 3, तो तीनों साइड का हम लोग व्यू कर लेते, इसको प्रोजेक्ट कर लिए। प्रोजेक्ट करना जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी प्रोजेक्ट करते हैं तो एक माध्यम होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। मीडियम के लिए हम क्या किए, शीशे का प्रयोग किए, ग्लास पे इसको हम प्रोजेक्ट किए हैं, तो ये ग्लास लगा दिए और ये ग्लास लगा करके इसके ऊपर प्रोजेक्ट, ये सैंपल ग्लास का है, ठीक है, ये सैंपल ग्लास का, ये सैंपल ग्लास का सैंपल दिया हुआ है, ठीक है, और ये ग्लास लगा देने से ये प्रोजेक्शन को दिखाते हैं। और देखिए ये रीजन कर रहे हैं इस साइड से और तीनों साइड से व्यू कर रहे हैं। व्यू करने के बाद जो हमारा ये प्रोजेक्ट, हम किस प्रकार किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं तो ये कैसा दिखता है, और इसी प्रोजेक्ट किए हुए को हम लोग फिर व्यू में फ्रंट व्यू साइड व्यू लेकर के फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं। अगर फर्स्ट एंगल में ड्रॉ करना होता है तो फ्रंट को फ्रंट पे रखते हैं और साइड अगर लेफ्ट में है तो उसको हम राइट में बनाते हैं, टॉप को फ्रंट के बॉटम में ले लेते हैं, और लेकिन अगर थर्ड एंगल में अगर बनाते हैं तो थर्ड एंगल में फ्रंट अंदर वही है जहाँ पे रहेगा, जिस साइड राइट साइड में तो रहेगी राइट साइड में बनेगा, साइड अगर लेफ्ट में तो लेफ्ट में ही बनेगा, टॉप टॉप पे ही बनेगा, फ्रंट के टॉप पे बनेगा, बस यही अंतर है। इसी को हम लोग व्यू में कन्वर्ट करते हैं, इसी प्रोजेक्ट को व्यू में हम कन्वर्ट करते हैं, बस इसको एडजस्ट करते हैं, सीधा एक लेवल में बनाते हैं, फ्रंट को फ्रंट के ऊपर टॉप बनाते हैं, साइड को फ्रंट के साइड बनाते हैं, बस। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।